Welcome back, everyone. We are doing an indefinite integration and we have moved on to the next exercise. In this exercise, mostly what we find is we have the form, right? We have the form something like this, sine raised to the power m, right? Or n, whatever you want to say, sine raised to the power nx and cos raised to the power mx dx. So in these forms, right, we'll be either trying to convert it into, you know, might be the same form what we did earlier, f dash x into fx wala form leke aayenge. Agar cos mein ya sine mein convert ho ja raha hai to achhi baat hai, because hume malum hai ki sine ka derivative cos hai aur cos ka derivative sine hai, hai na? Lekin kai baar aisa nahi bhi hota hai. To us case mein main ye suggest karta hu कि वहां पे हमें कोशिश करना चाहिए कि हम वहां पे tan के कॉन्सेप्ट में उसको कवर अप करें, tan के कॉन्सेप्ट में उसको कवर अप करें, यानी कि हम tan x क्रिएट करते हैं और फिर ऊपर f'x x square x को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो अभी फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन में तो ऐसा कोई स्कोप मुझे नहीं दिख रहा कि मैं किसी भी तरीके से इसको x square बनाने की कोशिश करूँ, है ना? सो ऐसा करते हैं, सोचते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि किस तरीके से किसको f'x और किसको fx लेने से बात इजिली हो जाएगी. सो लेट सी, हमारे पास साइन की पावर 4x है, कॉस क्यूब x है. मैं ऐसा करता हूँ कि ना इसको मैं साइन में कन्वर्ट करता हूँ कॉस क्यूब को, है ना? एक कॉस x रहने दूंगा, एक कॉस x रहने दूंगा, साइन मेरे पास एज इट इज है, साइन रेज टू दी पावर 4x. कॉस स्क्वायर x को मैं लिखना चाहता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है? तो एक कॉस x मेरे पास रह गया. अच्छा, अब आप सोच सकते हो ऐसा क्यों रहा. बहुत सिंपल सा रीजन है, मैं साइन एक्स को बोलूंगा टी और मेरे पास एफ डैश एक्स अवेलेबल है, मतलब एफ एक्स में बोलूंगा साइन एक्स और एफ डैश एक्स अवेलेबल है, दैट्स द ओनली रीजन, ठीक है? तो देखो ये तुम्हारे पास कितना हो गया, दिस इज साइन रेज टू द पावर 4x इनटू कॉस एक्स एंड माइनस साइन के साथ दिस वुड बी साइन रेज टू द पावर 6x इनटू कॉस एक्स. नाउ आई एम श्योर यू इजीली अंडरस्टैंड दिस फॉर्म. क्या ये एफ एक्स की पावर 4 इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, तो कितना आंसर आएगा? एफ एक्स यानी कि साइन एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन, एन प्लस वन कितना हो गया 5 डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, ठीक है? माइनस साइन के साथ यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये साइन रेज टू द पावर 5 है, ओके, साइन 5x नहीं है, डोंट गेट एनी इल्यूजन बाय माई पुअर हैंड राइटिंग स्किल्स, ओके, दिस इज 5, ओके, रेज टू द पावर 5. And this would be what? Sine raised to the power 7x upon 7 plus c. So I hope you understand the first question very easily. ठीक है? देखो जो भी integration है उसमें हमें कोशिश करनी है कि उसको किसी ऐसे form में लेके आए जो कि आसानी से integrate हो सके, है ना? अब जैसे यहाँ पे इसमें तो fourth question में तो कुछ भी नहीं करना ना, क्यों? क्योंकि साफ साफ दिखता है हमें, है ना, साफ साफ दिखता है क्या कि अरे भाई sin x को t लिया तो f dash x, तो मतलब sin x को अगर f लिया तो f dash तो अवेलेबल ही है, तो कुछ करना ही नहीं है, राइट? sin की पावर 5x इनटू cos x dx, राइट? इसका आंसर तो कोई भी बच्चा डायरेक्टली बता देगा, कितना हो जाएगा, sin की पावर 6 अपॉन 6 प्लस c, खत्म ही हो गया, है ना? अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 7th की जरा शक्ल देखें, थोड़ी सी डिफरेंट सी लग रही है ये, बट इतनी डिफरेंट भी नहीं है. क्यों? क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अगर sin x स्क्वायर को, अगर साइन एक्स स्क्वायर को, लेकिन यहाँ पे कॉस क्यूब है. अच्छा, कॉस क्यूब है, तो कुछ करते हैं, चलो थोड़ा सा देखते हैं, इसकी शक्ल थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है, तो चलो सोचते हैं एक अलग डिफरेंट कलर से इसको करने की कोशिश करते हैं. सो लेट्स लुक इनटू दिस क्वेश्चन नंबर 7. क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स. अच्छा, कॉस क्यूब एक्स है तो क्यों ना इसको साइन में कन्वर्ट कर ले, है ना? एंगल का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर भी है, है ना? एंगल भी स्क्वायर में और कॉस और साइन भी ऐसी दिख रहा है, साइन तो अलग ही लीनियर है बट कॉस क्यूबिक है, तो कोई इशू नहीं है. ऐसा करते हैं, इस वाले को एक कॉस एक्स बना लेते हैं, ठीक है? यानी कि कॉस एक्स स्क्वायर बोलते हैं, चलेगा ना? कॉस एक्स स्क्वायर बोलते हैं, और जो कॉस क्यूब है उसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बोल लेता हूँ, ठीक है? कॉस क्यूब को मैंने कैसे किया, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस, तो कॉस यहाँ पे और कॉस स्क्वायर को मैंने क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, सो दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एंगल का स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर, ठीक है? दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है बट घबराना नहीं है, रिलैक्स रहना है. साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है भाई? ओके, अभी तक तो सब
अच्छा अच्छा सा लग रहा है, बाकी देखते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको ना इसको ऐसे बोलता हूँ, दिस वुड बी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में अलग से लिख रहा हूँ ताकि तुम कुछ चीज़ों को सही तरीके से देखना सीख सको। एक्स कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस लगाया मैंने, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब हो जाएगा, क्या साइन क्यूब हो जाएगा, ठीक है, दिस इज साइन क्यूब एक्स स्क्वायर, अच्छा जी, इंटू क्या, इंटू एक्स कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब पता है मैंने ऐसे लिखा क्यों है, ताकि तुम देख सको कि ये कुछ और नहीं है, ये एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स है। इफ यू टेक साइन एक्स स्क्वायर एज एफ एक्स, व्हाट इज एफ डैश एक्स, इट इज कॉस एक्स स्क्वायर इंटू ट्वाइस ऑफ एक्स, अच्छा एक ट्वाइस की कमी है तो कोई बात नहीं, ये रहा टू, अच्छा ऐसे कैसे टू लगा दे भाई, तो टू डिवाइड भी कर दो, समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ पे भी साइन एक्स स्क्वायर को अगर मैं एक्स एफ एक्स लेता हूँ तो एफ डैश एक्स, फिर से यहाँ मेरे पास टू चाहिए तो ये लो टू से डिवाइड कर दिया। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दैट, ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या बोलोगे, दिस इज एफ एक्स की पार एन प्लस वन, एन प्लस वन दैट मीन्स इट वुड बी साइन एक्स स्क्वायर की पार एन प्लस वन, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन यानी कि टू, टू टू जा फोर बोलूंगा। इधर देखता हूँ इधर क्या आ रहा है, सो दिस वुड बी पार थ्री, तो ये पार फोर में जाएगी, एन प्लस वन होगा, सो साइन रेज टू द पार फोर एक्स स्क्वायर अपॉन फोर इंटू टू दैट इज एट प्लस सी, ठीक है, दिस शुड बी द फाइनल आंसर। एक बार आओ चेक कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स चेक व्हाट इज द गिवन आंसर, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन इन्होंने लिखा है माइनस वन बाई एट कॉस एक्स स्क्वायर। चलो इसको ऐसा करते हैं, लेके चलते हैं थोड़ा डिफरेंट, ऐसे तो हमारा आंसर सही होगा बट डिफरेंट है, तो इसको अपनी स्क्रीन पे लेके चलते हैं और एक बार जरा देखते हैं कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट क्यों है, राइट, वी वुड लाइक टू एनालाइज दैट, व्हाई इज इट डिफरेंट। सेवेंथ क्वेश्चन इज व्हाट वी वर डूइंग, तो इसको मैं अपनी स्क्रीन पे थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, है ना, सेवेंथ क्वेश्चन हियर इट इज, ठीक है भाई, और यहाँ पे हम इसको सेट करते हैं, आओ देखते हैं। ओके चलिए ब्लैक से एनालाइज करते हैं क्या डिफरेंस है। तो एक बात तो मुझे ये समझ में आती है कि वन बाई एट, अच्छा चलो इसको कन्वर्ट करते हैं ना, कॉस की पावर फोर में कन्वर्ट करना है तो फिर, और हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और ये कॉस की पावर फोर में आ गया, अच्छा भाई ठीक है चलो, तो क्या करा जाए, ऐसा करते हैं एलसीएम लेते, सबसे पहले तो एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम लिया तो मेरे पास आ गया एट प्लस सी का तो कोई टेंशन ही नहीं है, और यहाँ मेरे पास क्या रहा, यहाँ मेरे पास रहा दिस इज ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर चलेगा, और ये एज इट इज साइन की पार फोर एक्स, ठीक है, साइन की पार फोर एक्स स्क्वायर, ओके ये कुछ ऐसा सा मेरे पास अभी तक क्रिएट होके आ रहा है, अच्छा, और हमें इसको कॉस में कन्वर्ट करना है। देखो ऐसे तो मैं जनरली सजेस्ट ये करता हूँ कि कोई सा भी एंगल वेंगल रख के देख लिया करो दैट सेम वैल्यू आ रही कि नहीं, बट क्योंकि एंगल यहाँ पे स्क्वायर में है, बट कोई बात नहीं, मान लो अगर मैं एक्स को अगर मैं अंडर रूट ऑफ पाई बाई थ्री बोलता हूँ तो पता लग जाएगा ना कि एल एच एस कितना और आर एच एस कितना है, तो चेक करके देख लेते हैं, ठीक है, राइट, बिकॉज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, देर आर दे कैन बी मोर देन वन एक्सप्रेशन विच आर एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं एक्स की वैल्यू अंडर रूट पाई बाई थ्री रख के देखते हैं, यहाँ मेरे पास कितना आ रहा है, दिस कमिंग आउट टू बी माइनस वन बाई एट, और पाई बाई थ्री का स्क्वायर करने पाई बाई थ्री आ गया यानी कि 60 डिग्री, 60 डिग्री पे कितना होता है, हाफ होता है, तो ये 1/2 की पावर 4 यानी कि 16 और ये 8 कितना हो जाएगा, 128 होगा क्या, आई थिंक इट शुड बी 128, ओके इट शुड बी माइनस ऑफ 128, यहाँ चेक करके देखते हैं कितना दे रहा है, अगर इतना ही आ रहा है तो अपन बिल्कुल सही है, कोई टेंशन नहीं है, तो यहाँ भी रख के देखते हैं, यहाँ मेरे पास आ गया दिस इज पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री पे साइन कितना हो जाएगा, √3/2, ओके सो √3/2 का स्क्वायर यानी कि 3 अपॉन 2 का स्क्वायर यानी कि 4 × 4 इज 16, ठीक है, यहाँ पे √3 का स्क्वायर इज 3 और उसका फिर से स्क्वायर यानी कि 9, ओके
और नीचे फिर से मेरे पास किसका आएगा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, ठीक है, 2 की पावर 4 इज व्हाट, 16, 16, सो ये मेरे पास 16 into 8, ये हमारे पास आ गया 128, ओके, ये वैल्यू आ रही है। अब देखते हैं प्लस माइनस करके क्या हमारे पास आ रहा है टोटल। तो अगर हम लोग यहाँ पे 128 एलसीएम लेते हैं, 128 एलसीएम लेते हैं, तो ये 8 जा हो गया, है ना, 8 जा, तो 8 जा, 8 जा, अच्छा ठीक है भाई, 8 जा, तो 16 गुने ये हमारे पास 8 हो गया, तो ये 24, 24 माइनस 9, ये थोड़ा सा कुछ डिफरेंट आंसर आ रहा है हमारा, है। चलो एक बार देखें कहीं कुछ मिस तो नहीं हो रहा, लेट्स सी क्वेश्चन में हमने कुछ मिस तो नहीं किया, बिकॉज आंसर हमारा डिफरेंट आ रहा है, राइट। यहाँ पे इन्होंने जो दे रखा है ये हमारा -1/128 आया, और यहाँ पे हमारा आंसर कुछ डिफरेंट आ रहा है कि 128 तो है बट कुछ डिफरेंट है। चलो देख लेते हैं, राइट, लेट्स चेक दिस, एक बार ही चेक करते हैं। एक्स कॉस क्यूब एक्स स्क्वायर, राइट, कॉस क्यूब एक्स स्क्वायर को मैंने कैसे लिखा था, पहले स्टेप में ही गड़बड़ कर दिया, सही है, कॉस एक्स स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर एक्स, बिल्कुल सही, 1 - sin² x², ठीक है, अच्छा ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग sin² को fx लेते हैं, है ना, sin² को fx लेते हैं, तो sin² से हमने मल्टीप्लाई किया था, और ये एज इट इज हमारे पास cos² था, ये प्लस का, बिल्कुल सही है। तो sin² को अगर fx लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट इज f'x विल बी cos² * 2x, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही मुझे। अच्छा यहाँ पे भी जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया मेरे पास sin³x, और यहाँ पे cos², बिल्कुल सही है ये भी, और यहाँ भी 2x cos² x है, मेरे ख्याल से ये आंसर बिल्कुल सही है, बट आंसर क्यों डिफरेंट आ रहा है, आई मीन वैल्यू रखने पे सेम आंसर आना चाहिए था, राइट, वैल्यू रखने पे सेम आंसर आना चाहिए था। तो एक बार मैं फिर से इसको चेक करूंगा कि आंसर तो सेम आना चाहिए, राइट, सो विल चेक इट वन मोर टाइम, बिकॉज हमने जो कैलकुलेशंस किए हैं, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज लगाए हैं, आई डोंट फाइंड एनी मिस्टेक एनीवेयर, ओके, सो द आंसर शुड बी सेम, राइट। अगर इस बार अगर आंसर डिफरेंट आया तो मैं क्या बोलूंगा कि आंसर ही गलत है, ठीक है, मैं ऐसा कह दूंगा। बताओ पहले एक बार अपने आप को दोबारा चेक कर लेते हैं। तो हमने एक्स की वैल्यू कोई सी भी ले ली थी, एक्स की वैल्यू हमने क्या ली थी, हमने ली थी √π/3, ठीक है। अगर कोई भी एक्सप्रेशन सही है तो ध्यान रखना इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी जो भी एक्सप्रेशन आंसर में दे रखा है और जो आंसर हम लोगों ने कैलकुलेट किया है वो दोनों ही वैल्यू एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू रख के देखते हैं, यहाँ पे अगर मैं रखूंगा तो ये -1/8 है, और cos θ यानी cos 60 डिग्री मेरे ख्याल से हाफ होता है, तो ½ की पार 4, ठीक है, ½ की पार 4, तो कितना हो गया, 16 हो गया, और 16 * 8 मेरे ख्याल से 128 ही तो होता है, आई थिंक यस, ठीक है, ये LHS तो अपन सही कर रहे हैं। यहाँ भी जरा देखते हैं यहाँ क्या मिस हो रहा है, तो यहाँ मैंने क्या लिया था, 60 डिग्री, 60 डिग्री की 60 डिग्री, अहो ये तो सिर्फ साइन, अच्छा साइन स्क्वायर है, √3/2, √3/2, तो √3, राइट, √3 का स्क्वायर इज 3, ठीक है, और 2 का स्क्वायर इज 4, तो यहाँ मेरे पास कितना आ गया, 3/16 आ गया, ठीक है, और यहाँ जब करते हैं तो 3 का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 9 आएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4, 16, 16 * 8 इज व्हाट, दैट इज 128। सो काफी हम उसी रिस्पॉन्स पे पहुंचने जा रहे हैं, बट देखते हैं, राइट, 128 मैंने रखा, 128 मैंने रखा, अच्छा यहाँ पे मेरे पास 8 आया, 8 ज़ा इज व्हाट, 8 ज़ा इज 24 -9, फिर से आंसर हम वहीं पहुंच गए यार, ये बड़ी गलत बात है, ये हमारे पास कितना आ रहा है, 15/128, ये डिफरेंट क्यों आ रहा है, ये बात मुझे पल्ले नहीं पड़ रही बिल्कुल, क्योंकि हमने जो किया बिल्कुल सही है। क्या बोल रहे हो सर, यूज 1 - sin² x होल एज टी, 1 - sin² x इज टी, सी इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग दी आई मीन मैचिंग दी आंसर, इट्स ऑल्सो अबाउट बिकॉज दे कैन बी मोर देन वन एक्सप्रेशन दैट गिव्स यू द करेक्ट आंसर इन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हमने जो किया है वो बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई परेशानी मुझे नहीं लग रही है, ठीक है, कहीं भी कोई परेशानी नहीं लग रही है, और आप एक बार दोबारा चेक कर सकते हो, राइट, आई एम प्रेटी सेटिस्फाइड बाई दिस।
किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हो. ओके, सो वी आर स्टिल इन द डिस्कशन ऑफ द सेम क्वेश्चन एंड वी वांट टू सी व्हाट्स रॉन्ग विद दिस. ठीक है, तो मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे 8 एलसीएम लिया, राइट. 8 अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये मेरे पास ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आता है, और यहाँ हमारे पास साइन की पावर 4 एक्स स्क्वायर है. ठीक है, अच्छा हम इसको कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू कन्वर्ट इन टू कॉस. ओके, अगर हम कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस वैल्यू को, साइन को अगर मैं कॉस में कन्वर्ट करता हूँ तो ये आ रहा है मेरे पास ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ठीक है, और इसको ना मैंने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है, यू वांट टू जस्ट चेक कि भाई आंसर से क्यों नहीं मैच हो रहा. ठीक है, कर लेते हैं ऐसे तो. आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट आफ्टर चेकिंग ट्वाइस ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी चलो राइट. आप में से कुछ लोग कुछ थोड़ा सजेस्ट कर रहे हैं तो इसलिए मैं इसको देख लेता हूँ कि इफ देयर इज एनी स्कोप ऑफ यू नो एनी करेक्शन, तो देख लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है. यहाँ मैंने इसको ओपन किया बच्चों, जब मैंने इसको ओपन किया तो मेरे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज कॉस रेज टू द पावर 4x स्क्वायर एंड माइनस 2ab, दैट मींस माइनस ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर. आई थिंक नाउ यू आर डन विद द जॉब. बिल्कुल सही आंसर. ठीक है, देखो तुम्हें भी दिख गया होगा शायद ये क्या आएगा. ये 1 तो है ही है माइनस 1. यहाँ देखो ये 2 को जब तुम कॉमन लोगे ना राइट, इस 2 को जब कॉमन लोगे तो कितना आएगा राइट. माइनस का माइनस विल गिव यू प्लस 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2 एंड साइन स्क्वायर थीटा वेयर थीटा इज एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा इज एक्स स्क्वायर. ठीक है, और ये वैल्यू आपके पास माइनस 1 एज इट इज है और माइनस ऑफ कॉस की पावर 4 एक्स स्क्वायर अपॉन में 8. ठीक है, प्लस सी. सो ध्यान से देखो, ये तो तुम्हारे पास 2 हो गया. 2 माइनस 1 इज व्हाट, 2 माइनस 1 इज 2 माइनस 1 इज योर 1 ओनली. तो ये तुम्हारे पास रह गया 1 बाई 8 एंड माइनस कॉस की पावर 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 8 प्लस सी. ध्यान रखना कभी भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो भी कॉन्स्टेंट होता है उसको इस सी में ही हम लोग मर्ज कर देते हैं. यानी फाइनल आंसर आपको क्या लिखना चाहिए था, कॉस की पावर, बिकॉज कॉन्स्टेंट प्लस कॉन्स्टेंट इज अ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट माइनस कॉन्स्टेंट इज अ कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो ध्यान रखना. ठीक है, तो आप इस आंसर तक ऐसे पहुंच सकते थे. आप इसको चाहो तो सी डैश लिख सकते हो. ठीक है, इवन इफ यू लीव द आंसर इन दिस फॉर्म, अगर ऑप्शन में है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट. आई एम श्योर जब हम वैल्यूज भी रखेंगे तब भी ये सेटिस्फाई करेगा. वो कैलकुलेशन आप प्लीज एक बार दोबारा देख लेंगे. ठीक है, दैट इज हाउ वी कुड हैव डन इट. सो वी वुड बी टेकिंग अप जस्ट वन मोर क्वेश्चन वेयर वी आर यू नो वी आर नॉट एबल टू कन्वर्ट एफ डैश एक्स फॉर्म आसानी से. तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में ना, जैसे कि मुझे तो ये मानना है कि जहाँ कहीं भी तुम्हारे पास चीजें इवन आ रही हो राइट, जहाँ की इनका सम जो है वो इवन आ रहा हो. ठीक है, जैसे अभी तुम देखो जो तुमने क्वेश्चंस किए हैं राइट, जितने भी क्वेश्चंस किए हैं यहाँ पे इनका एम प्लस एन का सम कितना था, इट वॉज 7. नेक्स्ट क्वेश्चन आपने किया था इसमें भी आपका सम, अच्छा यहाँ पे सम हालांकि 6 था, है ना, यहाँ पे सम हमारे पास 6 था लेकिन फिर भी हमने इससे कर लिया बिकॉज आसानी से दिख गया था. ठीक है, यहाँ पे भी हमने सेम कॉन्सेप्ट यूज किया. लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा जहां भी सम इवन है राइट, जहां भी सम इवन है, ठीक है, ऑड वाले में तो ठीक है आसानी से हो जा रहा है, लेकिन इवन वाले को मैं ये सजेस्ट करूंगा, जैसे कि हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करना चाह रहे हैं. तो अगर आपका सम इवन है और ये डिनोमिनेटर में है राइट, तो इसको डील करने में ना थोड़ी तकलीफ आती है. तो ऐसे सिचुएशंस में मेरे ख्याल से डील करने का जो सबसे आसान तरीका हो सकता है वो ये हो सकता है कि हम लोग इसमें कॉस की पार से अगर हम इसको डिफरेंस इसको डिवाइड कर लें ऊपर नीचे, है ना, बिकॉज देखो यहाँ पे हमारे पास साइन है और यहाँ पे कॉस है. तो ऐसा करते हैं, इस पूरे को ना हम लोग इससे डिवाइड कर लेते हैं, किससे, कॉस की पार 8x से डिवाइड करते हैं. किससे, कॉस की पार 8x से. आप माइंड में चलना चाहिए सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉस की पार 8x से जब तुम डिवाइड करोगे तो ऊपर तुम्हारे पास आएगा sec स्क्वायर x, है ना, sec की पार 8x. ठीक है, और नीचे तुम्हारे पास आ जाएगा tan क्यूब x, राइट.
tan cube x. हमने क्या किया, हमने ऊपर नीचे टेक वन टर्म इन ट्रिगो, मैं समझ नहीं पाया क्या है, ठीक है. मैं सीधा सीधा ये सजेस्ट कर रहा हूं कि आपके पास अगर ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, राइट, बिकॉज देखो प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन तो ऐसी कोई चीज तो है नहीं, ठीक है. तो आपको क्या मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आप यहां पे जो अगर पार इवन है और ये डिनोमिनेटर में है तो आप क्या करें, आप डायरेक्टली इसकी कॉस से डिवाइड करें. कॉस से डिवाइड करने का फायदा क्या है, डिनोमिनेटर आ जाएगा टेन में और न्यूमरेटर आपके पास किस में होगा, न्यूमरेटर आपके पास है अभी sec में. अब sec और tan को आपस में इंटरचेंज करना बड़ा आसान है, उसमें कोई टेंशन होती नहीं है आपको. तो अब इसको डील कैसे करें ये बात अभी भी थोड़ी क्लियर नहीं हो रही है. चलो कोई नहीं, सोचते हैं. मैं ऐसा करता हूं, सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं कि मैं इसको तो बना देता हूं sec square x, ठीक है, और साथ में मेरे पास आता है sec की पावर 6x. sec की पावर 6x को मैं ऐसे लिखना चाहूंगा, sec की पावर 6x को मैं लिखना चाहूंगा sec square x whole power 3, ठीक है. नीचे मेरे पास tan cube x as it is बना हुआ है, उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही. पता है क्यों, क्योंकि ये f dash x मुझे दिखता है कि मतलब f x ये दिख रहा है, तो ये इसको गायब कर देगा, कोई टेंशन नहीं उसकी, ठीक है. हाँ, थोड़ा ये जो ऊपर sec की पावर 6x है ना, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा. तो और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट, यू पीपल आर सर्टेनली ऑन द राइट ट्रैक. sec square x है, sec square x को मैं tan में लेके आऊंगा, बिकॉज ये sec की पावर 6x यहां परेशान करेगा. तो 1 plus tan square x क्या होता है हमारे पास, sec square x होता है. तो हमने इसको 1 plus tan square x के फॉर्म में इस तरीके से एक्सप्रेस करा, ठीक है. ये होल क्यूब के फॉर्म में आ रहा है, चलेगा ना, चलना चाहिए, ठीक है. अब देखो ये जो इक्वेशंस हमारे पास निकल के आ रही हैं, ये देख के थोड़ी सी अजीब सी लग रही होंगी आपको, बट इसको बहुत आसानी से तुम अब डील कर सकते हो. पता है कैसे, तुम जैसे ही अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करोगे, देखो यहाँ ऊपर लिख देता हूँ कलर चेंज करके, तुम जैसे ही यहाँ पे tan x को t लोगे, द वर्क इज फिनिश्ड. व्हाट इज dt बाय dx, दैट इज sec square x, ठीक है. और sec square x into dx will be substituted by what, dt. तो ये पूरा एक्सप्रेशन, ये जो आपके पास इंटीग्रैंड है i है, इसकी जगह पे आपके पास dt आ गया, ये आपके पास हो गया 1 plus t square x into whole cube upon t cube, ठीक है. अब आप सोचोगे सर इसको कैसे डील करें, अरे यार ये तो डील ऑलरेडी हो रखा है, कुछ करना ही नहीं इसमें. देखो 1 plus t square का whole cube a plus b का whole cube अप्लाई करना है, तो a cube plus b cube, ठीक है, plus 3 times of this, तो इसका square करोगे तो t की power 4 आएगा, and plus 3 times of this, यानी कि ये t square आ जाएगा, ठीक है. इस पूरे को आपने t cube से divide करना है, तो कोई tension नहीं है ना t cube से divide करने में, क्या ये देखो यहाँ मुझे मैंने dx यहाँ गलत दिखा, यहाँ पे dt लेना चाहिए था ना, right, this is what, this is dt, okay, this is dt, है ना, because हमने sec square dx की जगह पे dt रखा यहाँ से, okay. So I think now we are done with the question and I would like to give it a finishing touch. This is integration of dt by t cube. If you look at the first term, the second term is nothing but t cube into dt. And the next term is 3 times t dt. Okay. And the last term seems to me as 3 times dt upon t. So what is the final answer? Tan t के जगह पे सब जगह क्या रखोगे? Tan x रख दोगे. ये कितना हो जाएगा? ये minus 3 plus 1 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा minus of 1 upon t square. T square मतलब tan square x. ठीक है? Tan square x. और minus 3 plus 1 upon में यानी कितना? Minus 2. तो minus sign मैंने ले लिया है तो मैं इसको upon 2 ऐसे करूंगा. Next expression कोई tension ही नहीं है. This is tan की पावर 4x upon 4. Next expression is 3 times of tan square x upon 2. And the last one is what? This is 3 times of log of tan x, log of t. ठीक है? Plus c. So this would be taken as the final answer. काफी लंबी सा expression है. But I hope आपको ये वाली बात समझ में आती है. ठीक है?
चेक कर लें क्या एक बार, आओ चेक कर लेते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा आंसर है। 11th का आंसर क्या दे रखा है, 1/2 tan x / -2 है ना, 3 टाइम्स log ऑफ tan x, 3/2 tan square x, आई थिंक बिल्कुल सही है, राइट, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता आंसर आपका भी है और बिल्कुल सही, दैट इट्स परफेक्टली फाइन। ओके चिल्ड्रन, सो आई वुड लाइक टू स्टॉप इट हियर एंड वी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।